नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि 10वीं क्लास के बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, या यूं कहें कि 10वीं के बाद यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी आपको जूनियर इंजीनियर बनना है या सीनियर इंजीनियर बनना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, और आपको कौन सी डायरेक्शन में आपको एजुकेशन जारी रखना चाहिए ताकि आप 10वीं के बाद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की लाइन पकड़ सकें या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बनने की और आप जा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि 10th क्लास के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आखिर बने तो हम क्या करें 10th क्लास के बाद। देखिए, जब आप 10th करते हैं, 11th 12th कर लेते हैं या फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं कोई भी किसी भी फील्ड में, जब आपका करियर प्रॉपर डिसाइड होता था, और बाद में यदि आप सोचते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था या बनूं तो क्या करूं, आप बन तो सकते हैं लेकिन आपका वहां पे बहुत ज़्यादा समय वेस्टेज हो जाता है, आपकी डायरेक्शन गलत होने के कारण वापस से फिर आपको 10th या 12th क्लास के बाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाने की लाइन या जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको एजुकेशन हासिल करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। तो ऐसी ना हो कि हमको यदि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना और हम किसी और लाइन में चले जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10th क्लास के बाद ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर बात करें तो पहली बात तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। फर्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं और दूसरा आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बनना है तो आपको फिर 10th क्लास के बाद ही 11th 12th में नहीं जाना, सिर्फ 10th क्लास के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, टाइम ड्यूरेशन मिलने का 3 ईयर्स का पॉलिटेक्निक कोर्स करेंगे तो आप जूनियर मिल जाएंगे। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता क्या है आपको जूनियर इंजीनियर यानी पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए विद 50% मिनिमम मार्क्स आपके 10th क्लास में होना चाहिए। यदि 10वीं क्लास में आपने 50% मिनिमम मार्क्स के साथ पास किया है तो 10th के बाद ही एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, प्रवेश परीक्षा इसको बोला जाता है, हर एक स्टेट की अलग अलग रहती है। जैसे हमारे MP में PPT होती है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, उस एग्जाम को देने के बाद आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स में एडमिशन ले लेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स में। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 ईयर्स होगा, इसके बाद जब आप जॉब करेंगे कहीं करेंगे तो आपके आप लिख सकते हैं जूनियर इंजीनियर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा बोल सकते हैं आप। तो डायरेक्टली आप 10th क्लास तक 10वीं क्लास पहले 3 साल का आपने जेई मतलब कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया, फिर आप जूनियर मतलब 3 साल में आप जूनियर इंजीनियर की आपको वहाँ पर कहीं भी जॉब मिलेगी तो मिल सकती है। अब इसमें एक बेनिफिट ये है इसके साथ, यदि आप इसका जूनियर इंजीनियर के बाद आगे सीनियर इंजीनियर भी आपकी क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ना होता है और डायरेक्टली आप यदि सीनियर इंजीनियर नहीं पढ़ना चाहते तो पॉलिटेक्निक कोर्स करें, उसके बाद किसी भी आप जो अप्रेंटिसशिप होती है उसमें या फिर कहीं भी ट्रेनिंग ले लें इससे रिलेटेड, और कहीं भी एक छोटा मोटा जॉब पकड़ लें, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा तो आप धीरे धीरे, जैसे मान लो आप कहीं प्राइवेट सेक्टर कहीं जॉब लग जाता है धीरे, या गवर्नमेंट लगे धीरे धीरे, जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होता है आपको प्रमोशन मिलता है तो वहाँ पर जाके आप सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर, सीनियर इंजीनियर पोस्ट पर आप काम आपको मिल सकता है, मतलब सीनियर इंजीनियर इस तरीके से भी आप बन सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से सीनियर इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं तो 10वीं के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली बात तो कि डायरेक्टली बीटेक कोर्स करना पड़ेगा। अब बीटेक कोर्स 4 ईयर का होता है, 4 साल इसमें लगते हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इसकी मेन ब्रांच होती है। अब 12th क्लास के बाद यदि आप बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है आपको, यहाँ पर 12th पास होना चाहिए PCM सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट से आपको 12th पास करना है मिनिमम 60% मार्क्स से, तो आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो प्रवेश परीक्षा रहती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने, वह कॉलेज में एडमिशन आप उस एग्जाम थ्रू ले सकते हैं। यदि आप 12th नहीं करना चाहते PCM के साथ और डायरेक्टली आप 10th क्लास से यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो भी सीनियर 10th के बाद, तो उसके 10th के बाद तो उसके लिए क्या है आपको, उसके लिए आप पहले 10th के बाद क्या कीजिए, यहाँ पे 10th क्लास के बाद डायरेक्टली पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लीजिए 3 ईयर का, 3 साल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया, इसके बाद डायरेक्टली आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको PCM के साथ 12th पास करना कंपलसरी नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है यदि हमने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किया 3 साल का, तो आपको क्या होता है 3 ईयर का, हमने 3 ईयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया तो बीटेक में एडमिशन मिलता है डायरेक्टली आपको कहाँ पे, 2nd ईयर में, 1 साल यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो 3 ईयर्स का हमारा पॉलिटेक्निक कोर्स हो गया, 3 ईयर्स का प्लस 3 ईयर्स का बीटेक,
तो टोटल कितने होगा यहाँ पे, सिक्स ईयर में आपको जब डिग्री मिलेगी बी बी टेक की कंप्यूटर साइंस से, आप करेंगे चाहे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस कर लीजिए। तो आप जब छः साल में जाके यहाँ पे क्या हो, जहाँ भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, मतलब जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ सीनियर इंजीनियर पोस्ट आपको मिलेगी, एक आध दो साल ट्रेनिंग के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, सिक्स ईयर में डायरेक्ट आप सीनियर इंजीनियर बन गए। यदि ट्वेल्थ करते आप तो 10 से 11, 12 PCM करते दो साल, तो आपके यहाँ पे 12 तक करने में कितने, दो साल ये खत्म हो जाते, चार साल डिग्री, तब भी आपको यहाँ पे क्या टोटल छः साल लगते। लेकिन यदि पॉलिटेक्निक के थ्रू यदि आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तीन साल तक कंप्यूटर जो डिप्लोमा किया आपने, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर कंप्यूटर कोर्स किया, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है, वही से आगे आपको बी बी टेक सिखाया जाता है। तो आपके पूर्ण रूप से सीनियर इंजीनियर एलिजिबिलिटी आपके पास हो जाती है और आप अच्छी खासी किसी भी कंपनी में जॉब करके अच्छा खासा सैलरी पैकेज पे आप जॉब कर सकते हैं या आपका खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे तरीका बताया कि यदि हमको टेंथ के बाद ही यदि जूनियर इंजीनियर या यूं कह टेंथ के बाद यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो हमको क्या करना है। टेंथ के बाद बनना है तो पॉलिटेक्निक कोर्स कर लीजिए यार, और पॉलिटेक्निक यहाँ पे आपको दो रास्ते रहते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद डायरेक्ट जॉब अपॉइंटमेंट मिलती है, जॉब भी कर लीजिए, प्लस साथ में आप प्राइवेट में बीई कर लीजिए, कुछ भी आप अलग कोर्स कर सकते हैं, या फिर इस एक्सपीरियंस साथ भी आपको आगे एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आगे आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। और यदि आप डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते तो पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, बी बी टेक कोर्स कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से डिग्री कर लीजिए सेकंड ईयर में एडमिशन लेके। तो यहाँ से आपको पास डिप्लोमा प्लस डिग्री होगा तो आपको पास एक्सपीरियंस भी होगा, एजुकेशनल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो आपको आसानी हो जाती है किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी में जॉब लेने में, जॉब प्राप्त करने में, अच्छे खासे सैलरी पैकेज में आपको जॉब मिल जाता है। आज के समय में सभी जो अभी जो चल रहा है ट्रेंड, सभी डिजिटल हो गया, सब कुछ जगह ऑनलाइन डिजिटल, ऑनलाइन डिजिटल, यानी कि आईटी सेक्टर का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है, कंप्यूटर साइंस आईटी इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है, वर्क फ्रॉम होम जब से चला है कोविड के समय से, तो इन क्षेत्र में यदि आप एजुकेशन हासिल करते हैं, क्वालिफिकेशन लेते हैं, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, करियर पोस्ट भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, सैलरी पैकेज भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने का मेरा मकसद यही था कि टेंथ क्लास के बाद भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, बस आपकी उसके लिए क्या होगा, आपको सही दिशा में एडमिशन लेना है और सही से अच्छे से मन लगा के लगन लगा के पढ़ाई करना है। साथ में इसमें कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर में लैंग्वेजेस रहती है, सारी लैंग्वेजेस में आपको कमांड बनाना है, उसके अलग अलग छोटे छोटे आपको प्रोग्राम डेवलप करना है, सीखना है, और जब आपकी कमांड हो जाती है तो आप संपूर्ण रूप से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है और आपको आसानी होती है किसी भी कंपनी जॉब करने में, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझा कि टेंथ के बाद हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। बताई गई इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, और फिर भी कोई क्वारीज है, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार की आगे आने वाली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार नॉलेजेबल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।